विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों से अनुमति लेकर के बच्चों ने स्कूल में आना शुरू कर दिया। गाजियाबाद के सेठ मुकुंदलाल स्कूल में शासन की गाइडलाइंस के अनुसार 9वीं और 10वीं के छात्रों को पहली पाली और 11वीं और 12वीं के छात्रों को दूसरी पाली में बुलाया गया है। वहीं सेठ मुकुंदलाल स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के शिक्षार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर पहले दिन केवल प्रथम पाली में 10वीं के छात्र और दूसरी पाली में 12वीं के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति प्रदान करी है, जिसके बाद स्कूल में कुछ शिक्षार्थी पहुंचे जिन्हें पहले स्कूल के गेट पर थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाता है। आपको बताते चले, स्कूल की कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। जहां पर डीआईओएस गाजियाबाद सुनील दत्त ने भी सेठ मुकुंदलाल स्कूल का निरीक्षण करके शासन स्तर से जो गाइडलाइंस हैं उनको भली भांति जायजा लिया है। 7 महीने के लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त हम गाजियाबाद के सेठ मुकुंदलाल स्कूल के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बच्चों को यहां पर स्कूल के अंदर लाया गया है, बच्चों को बिठाला गया है, क्योंकि पहला दिन आज स्कूल का है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाला गया है। यहाँ पर DSIO खुद यहाँ पर मौके पर आए हुए हैं, स्कूल की चेकिंग कर रहे हैं, बच्चों से बात भी की है, क्लास के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं किस तरीके के इंतजामिया किए गए। हम सीधी बात करेंगे सर, किस तरीके के इंतजाम किए गए 7 महीने के लंबे समय के बाद सब स्कूल खोले गए? हाँ देखिए, शासन के निर्देशानुसार आज 19 तारीख से जनपद के सारे स्कूलों को खोला गया है, जिसमें हमारे राजकीय इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड के एडिड कॉलेज, हमारे वित्त विहीन मान्यता प्राप्त स्कूल और सभी CBSE और ICSE बोर्ड के स्कूलों को सबको खोला गया है। जैसा शासन से हमें निर्देश मिला था उसके अनुसार हमने सभी स्कूलों को चाक चौबंद व्यवस्थाएं कराई गई हैं। गेट से एंट्री से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का और क्लासरूम तक और क्लासरूम के छुट्टी के बाद से लेकर गेट तक सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन प्रत्येक विद्यालय में किया जा रहा है। अभी मैंने लगभग 4 स्कूलों का निरीक्षण कर लिया है सुबह से और सभी स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। गेट पर ही सैनिटाइजेशन, हाथ धोने के लिए साबुन पानी और उसके साथ साथ थर्मल स्कैनिंग करके किसी को बुखार तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ऑक्सीमीटर से उसकी जो है पल्स रेट और वो भी चेक किया जा रहा है स्कूलों के गेट पर ही, सभी स्कूलों में ये गेट पर व्यवस्था की गई है। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के DIOS, इन्होंने बताया कि लगातार जो बच्चे हैं वो क्लासेस के अंदर आ रहे हैं और उनको पढ़ाया जा रहा है आज, क्योंकि आज पहला दिन था, पहले दिन से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखना होगा कोरोना वायरस के महामारी के बाद 7 महीने बाद ये स्कूल खोले गए हैं, अब कब तक जो बच्चे हैं पूरी तरीके से जो पहले बच्चे आ रहे थे